मैं वैभव कुलकर्णी, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी विद वीवी कुलकर्णी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने देखा एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हमें देखना है कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो अभी देखिए आप, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो 4 माइनस 0 होगा बच्चों 4। फिर x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 1 ले ली तो 4 माइनस 1 होगा 3। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो 4 माइनस 2 होगा 2। x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने 3 ले ली तो 4 माइनस 3 होगा 1। x की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली तो 4 माइनस 4 होगा 0। तो यानी हमने क्या किया, अब तक आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स क्या होता है, ग्राफ का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो चैप्टर्स के में काफ़ी समानता है, स्पेशली थर्ड एक्सरसाइज द इज सेम इन बोथ द केसेस। सो व्हाट आई हैव डन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। आई हैव पुट सम वैल्यूज, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, वॉट एवर वैल्यू आई पुट फॉर एक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट 0 ईयर, 4 माइनस 0 इज 4। इफ आई पुट 1 ईयर, 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, एंड 4 माइनस 4 इज 0। सो नाउ आई पुट दिस वैल्यू ऑन द ग्राफ। हाउ टू पुट इट 0 4? 0 4 मीन्स वॉट? द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स वैल्यू इज 0 एंड वाई वैल्यू इज 4। दैट मीन्स वॉट? द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। सो एक्स पॉइंट इज 0, वाई इज 4। एक्स इज 1, वाई इज 3। एक्स इज 1, y is 3. So children, this is the point. x is 1, y is 3. Then x is 2, y is 2. So x is 2, y is 2. Here the point will lie. x is 2, y is 2. Then again, x is 3, y is 1. So x is 3, y is 1. So x is 3, y is 1. Then x is 4, y is 0. So x is 4, y is 0. So now we can join this line and we will get the graph of the first equation, that is x plus y equal to 4. So this is the graph of the line x plus y is equal to 4. We can write here x plus y is equal to 4. So I hope you are able to understand what I am saying. Now here the second equation says x minus y is equal to 2. I will transpose this here, then what I'll get? X is equal to 2 plus y. X is equal to 2 plus y. That means the value of x depends upon y. Suppose if I put y as 1, suppose if I put y as 1, then I'll get x as 3. Suppose if I put y as 0, suppose if I put y as 0, then I'll get 2 plus 0 is 2. Suppose if I put y as minus 1, then it will be 2 plus minus 1, and that is equal to plus 1. 2 plus of minus 1 is how much? Plus 1. Suppose if I put y as minus 2, suppose if I put y as minus 2, then 2 plus minus 2 is 0. So dear children, what I have done? Here x is dependent on y, because whatever value of y I put, x value will change accordingly. Suppose if I put y as 1, then 2 plus 1 is 3. Suppose if I put y as 0, then 2 plus 0 is 2. Suppose if I put y as minus 1, then 2 plus of minus 1 is 1. Suppose if I put y as minus 2, then 2 plus minus 2 is how much? 0. So children, now this is the second graph
आई विल यूज द सेम ग्राफ पेपर बट डिफरेंट कलर हियर, तो डिफरेंट कलर मैं यूज करूंगा। x का 3 वैल्यू है, y का 1 वैल्यू है, सो x का 3 वैल्यू है, y का 1 वैल्यू है, यहां पर वो ग्राफ आ रहा है, x का 3 वैल्यू है, y का 1 है, ओके x का 3 वैल्यू है, y का 1 है। आप एक ही ग्राफ यूज मत कीजिए, आप अलग अलग ग्राफ यूज कीजिए, मगर हम आपको एक ही ग्राफ पेपर पे अलग अलग कलर का चॉक पीस यूज करके आपको हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज व्हाट, सपोज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो आप देखिए x की वैल्यू 2 है, यहां पर आएगा द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ये ओरिजिन है बच्चों, ये आप जानते हो, इसको हम कहते हैं x एक्सिस, इसको हम कहते हैं x डैश एक्सिस, इसको हम कहते हैं y एक्सिस, इसको हम कहते हैं y डैश एक्सिस, तो ये बातें सारे आपको हमने ऑलरेडी बता दी है। तो बच्चों यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो कहां पर आएगा, द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, बोथ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 2 और 0 ये ऑन x एक्सिस, x की वैल्यू प्लस 1 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो आप देखिए x की वैल्यू प्लस 1 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये पॉइंट आएगा इधर, तो आप हमेशा पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलिए, x इज 2 y इज 0, यहां पर आएगा x इज 1 y इज माइनस 1। उसके बाद आप देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 2 है, यानी x की वैल्यू अगर 0 होता है और y की वैल्यू माइनस 2 है, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। तो अब आप देख रहे हैं कि येलो कलर का जो हमारा चौक है वो हम यूज कर रहे हैं, तो उसको आप यूज करके इन लाइंस को आप जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन किसका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का है, तो ये हम ग्राफ से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, इसको कैसे करें सर, x यानी x की वैल्यू को 3 से गुणाकार कीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, यू पुट सम वैल्यू फॉर x मल्टीप्लाई बाय 3 विल गेट y, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मैं लेता हूं यहां 0, मान लीजिए x को मैंने 0 ले लिया बच्चों, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना होगा बच्चों, 0। मान लीजिए x की वैल्यू 1 ले ली मैंने, तो 3 इंटू 1 कितना होगा बच्चों, 3। x की वैल्यू मैंने माइनस 1 ले ली तो कितना होगा, 3 इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3। x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब देखिए बच्चों मेरे पास y की वैल्यू 6 लेने के लिए जगह नहीं है, हो सकता है आपके पास जगह हो, तो सर क्या करें, आपके पास जगह है तो आप x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6 आप ले सकते हो, मगर मेरे पास जगह नहीं है तो क्या करें सर, आप अपने ग्राफ में बना लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 की जरूरत होती है, हम तो यहाँ 4 ले रहे हैं, एक्स्ट्रा है कोई जरूरत नहीं वैसे, तो हम आपको केवल 3 को लेकर ही बताएंगे कि कैसे करना है, आप अपना चौथा भी वहां पर ले सकते हो। x 0 0 यानी बच्चों ये ओरिजिन आ जाएगा, ये पॉइंट होगा, x की वैल्यू 0 0, जब x 1 है y 3 है, तो बच्चों जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 3 है, यहां पर ये पॉइंट है, आप देखिए जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 3 है, उसके बाद जब x की वैल्यू माइनस 1 है y की वैल्यू माइनस 3 है, तो बच्चों जब x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 है, तो x की वैल्यू माइनस 1 y की वैल्यू माइनस 3, तो ये आपका ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा ग्राफ, आप देखो इन तीनों पॉइंट्स को ले लीजिए आप ओरिजिन से, आप देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ ये है ग्राफ y इज इक्वल टू 3x का। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो एक ही ग्राफ पेपर पे सब कुछ बनाया, हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों,
ये याद रखना कि पहला वाला ग्राफ पहले प्रॉब्लम का था, येलो वाला ग्राफ दूसरे प्रॉब्लम का है, व्हाइट वाला ग्राफ तीसरे प्रॉब्लम। 2x प्लस वाई, इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। क्या लिखा मैंने, इस 2x को इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो 3 माइनस 0 कितना होगा बच्चों, 3। यानी जब x 0 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो 2 इंटू 1 2 होगा, 3 माइनस 2 कितना होगा बच्चों, 1 होगा। फिर मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 2 टू ज़ा 4, 3 माइनस 4 होगा माइनस 1। देन अगेन इफ यू टेक सर 3, इफ़ आई टेक x एज 3 देन 2 इंटू 3 इज 6, 3 माइनस 6 इज माइनस 3। सो हियर आई हैव ट्रांसपोज, नॉट ट्रांसफर्ड, आई हैव ट्रांसपोज 2x टू लेफ्ट साइड, देन इट इज 3 माइनस 2x। सो व्हेन x इज 0 y इज 3, व्हेन x इज 1 y इज 1, व्हेन x इज 2 y इज माइनस 1, 3 माइनस 4, व्हेन x इज 3 देन 3 माइनस 6 इज माइनस 3। नाउ आई हैव गॉट 4 पॉइंट्स। सर लास्ट टाइम यू टुक 3 पॉइंट्स, सी एक्चुअली वी नीड 2 पॉइंट्स बट आई हैव टेकन 4 पॉइंट्स हियर। नाउ लेट अस सी, आई एम यूजिंग दिस डिफरेंट कलर चॉक पीस टू शो द पॉइंट्स। व्हेन x इज 0 y इज 3, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। सो व्हेन x इज 0 y इज 3, सो हियर यू विल गेट इट, व्हेन x इज 0, when x is 0 y is 3, when x is 1 y is 1, see here, when x is 1 y is 1, when x is 1 y is 1, when x is 2 y is minus 1, so when x is 2 y is minus 1, x is 2 y is minus 1, so when x is 2 y is minus 1, when x is 3 y is minus 3, so when x is 3 y is minus 3, so when x is 3 y is minus 3. So you can see here our points are here, 0 is there, 3 is there, 1 1 is there, 2 minus 1 is there, 3 minus 1 is there. So children, now what we will have to do is we have to take these 4 points and join it. Just see here, I have taken the points here, these are the points, it should pass through this point. So you can see that it passes through this one, and this is the equation of, this is equal to y is equal to 3 minus 2x. This means what? Y is equal to 3 minus 2x. So children, what I actually have done is, see, here you have to join like this. So what we have done here is, we have used a single graph paper and we have done all the 4 problems. But I advise you children not to do so, but try to understand the problem here is to plot the graph itself is a difficult task for us, and in that we are doing it. So it is difficult for me to make it 4 different graphs. So I hope you understand my problem, and we got the solution now. So let me explain, if at all you want this once again. This what I have done is 2 minus 2x I have taken this side. X is 0 means 3 minus 0 is this. Then x is 1 means 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 is what, 1. If x is 2, that means 2 2s are 4. 3 minus 4 is minus 1. Suppose if I take x as 3, then 3 minus 6 is minus 3. So now, every time you plot a graph of these equations, you are going to get a straight line. So that's all children. Thank you.